Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्ची की जान खतरे में है, जाने दीजिए मुझे उसके पास, छोड़ दीजिए मुझे। चुप हो, इस आवारात से तुम सीधा जेल जाओगे। अब तो एक मुद्दत के बाद ही तुम अपनी बेटी से मिल सकोगे। नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए उस मासूम पर, वो बहुत बीमार है, बेसहारा है बेचारी, वो नन्ही सी बच्ची मेरी बेसहारा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा जुर्म मेरी गरीबी है, एक बेबस बाप की मजबूरी है जो आपका कानून कभी नहीं समझ सकता। कानून जज्बात पर नहीं चलता, सिर्फ वाकयात को देखता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, सजा तो मेरी मासूम बच्ची को मिलेगी, तरस खाइए उस पर, मेरे बिना कैसे जिएगी, किसके सहारे जिएगी। जब कोई कैदी मुजरिम बनता है तो उसके दुनिया के साथ सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर तुम्हारी बेटी के नसीब में है कि वो बाप से मिले, तो तुम्हारी सजा खत्म होने तक वो जिएगी, वरना। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वो नहीं मर सकती, मेरे जीते जी वो नहीं मर सकती। मैं पहुंचूंगा, उस तक पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। ये सजा कभी मुझे नहीं रोक सकती, ये सजा कभी मुझे नहीं रोक सकती। अयो गुड्डू, गुड्डू बेटा, ए गुड्डू, गुड्डू बेटा, ए गुड्डू, भगवान जाने कहां चली गई गुड्डू। म्याऊ, म्याऊ की बच्ची, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पापा डर गए, पापा डर गए। अरे मैं तेरे म्याऊ से नहीं डरा, मैं तो इस बात से डरा कि तुम कहीं गुम ना हो गई हो, चुड़ैल। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। ए गुड्डू,
क्या हो गया? आपने मुझे चुड़ैल क्यों कहा? अरे वो तो हमने मजाक में कहा था। देखो जब मैं काम से लौटूं मेरी आंखों के सामने आ जाया करो, तुझे देखते ही मेरे दिल को चैन आ जाता है। तो लौटते ही आप मेरा फोटो क्यों नहीं देख लेते पापा? आपकी पर्स में ही तो रहता है। ए पिद्दी, उतनी बात किया कर जितनी तेरी उम्र है। बात ना करे तो और क्या करे पिद्दी? आप भुलक्कड़ जो ठहरे। हाँ क्यों? रोज का काम भूल गए क्या? अगरबत्ती। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। फजूल खर्च कराया ना पापा। अच्छा आज पहली तारीख है, पगार मिली होगी, निकालिए पैसे। ये लीजिए दादी अम्मा बाकी की रकम। अब हिसाब लिखवाइए खर्च का। ओहो हिसाब भी लिखेंगे आप? जरूर लिखिए हिसाब, जरा ठीक से लिखना, बेईमानी हो गई ना तो मारा जाएगा तुम्हारा ये बाप। उतारिए ना पापा, मैंने आपको खाना देना है। खाना हम अपने आप ले लेंगे। ओ मिनिस्ट्री जी अपनी मिनिस्ट्री संभालिए, तुमने खाना खाया कि नहीं? पापा पहले ड्यूटी फिर रोटी। आपने मकान का किराया दिया है कि नहीं? 80 रुपया है ना? हाँ बाबा दिया है 80 रुपए, 8 और 0। 8 और 0। आपका जूता फट गया था, नया जूता लिया? पुराने को सिलवा लिया बेटी 3 रुपए में, नया लेता तो 40-50 रुपए लग जाते ना। मेरी चप्पल टूटती है तो फौरन नहीं ले लेते हैं, और अपनी नहीं, ये धांधली नहीं चलेगी। हाँ अच्छा बाबा नाराज मत हो, अगले महीने ले लूंगा। इसमें 20 रुपए कम है। 20 की गोलमाल करके आए क्या? सिनेमा देखा है क्या? जी नहीं, जुआ खेल आया हूँ। छी छी आपसे कट्टी। आओ बेटा मीठी कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, जल्दी से मीठी कर लो मेरी गुड्डो। देख तूने कहा था ना आज तेरी गुड़िया की बारात आने वाली है, इसलिए आतिशबाजी लेकर आया हूँ। उसमें 20 रुपए खर्च हो गए, बारात नहीं आएगी क्या? बारात तो आएगी। गुड्डो गुड्डू तुम्हारी गुड़िया की बारात आ गई, पहले मेरे पापा खाना तो खा ले। बेटे मैं खाना खा लूंगा, तू जा। भगवान तू जानता है कि ये बच्ची मेरी जिंदगी है, मुझे बोलती हुई गुड़िया दे दी, इसकी किस्मत भी अच्छी करना, जब इसकी बारात आए तो राजा वर देना इसे। पानी लो पापा। जीती रहो मेरी बच्ची, मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। आओ बैठो। कैसी बारात है बेटा, ना बैंड ना बाजा ना नाच ना गाना। गाना हमें नहीं आता अंकल। गाने बिना बारात क्या फील हो जाएगी पापा? हम बिटिया की बारात को कभी फील नहीं होने देंगे बेटा। सच पापा? Thank you.
अच्छी लगती है। जितने जीवन पाऊं मैं यूं ही तुझको चाहूं मैं, तेरा प्यार ही हर मंजिल की राह दिखाता है। देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है, ओ तेरे मेरे। छोड़ेगी ये मंजर जब याद आता है बहुत रुलाता है। देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है, वो तेरे मेरे तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है, वो तेरे मेरे। बेटे बहुत देर हो गई, अब आ जा, सुबह स्कूल भी जाना, चल सो जा। आपकी साइकिल कौन साफ करेगा? अरे मैं कर लूंगा ना सुबह उठ के। रोज यही कहते हैं पर करते नहीं हैं। साफ सुथरा रहना मैं आपको कब तक सिखाऊं? सिखाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है दादी अम्मा, अब चलिए और आराम कीजिए। पापा। बोलो बेटा। नीलू के डैडी ने उसे सोने की चिड़िया दिलाई है, आप भी मुझे दिला दे। तुम्हारा ये गरीब बाप तुम्हें सोने की चिड़िया कहां से दिलवाएगा बेटा? सोने वाला सोना नहीं पापा, कांच का सोना। कांच के सोने वाली चिड़िया? लो हम आपको कल दिला दें, हां इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको भी नहीं उम्र लग जाए पापा। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। क्यों, आप तो मुझे हमेशा कहते हैं। इसलिए बेटा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो बेटा, सिर्फ सिर्फ तुम। पापा अभी तक नहीं लौटे, कहीं वो आपसे मिलने तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ। आपकी अगरबत्ती आकर जलाएंगे। अच्छा Ha ha ha!
गुड्डो, नहीं गुड्डो, 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 इसे तो तेज बुखार है। तरसा कुछ बोलिए ना, तरसा इसे होश कब आएगा? इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश में आ जाएगी। सरसांग की हालत है। सरसांग? हाँ, डबल निमोनिया है। डबल निमोनिया? डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए प्लीज, इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, मेरे जीने का सहारा है। इसे प्लीज प्लीज बचा लीजिए। जिंदगी लेना और देना तो भगवान के हाथ में है मेरे भाई, डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। ये लो, बच्चे को दवाइयां देना फौरन शुरू कर दो, देर करना ठीक नहीं, जान को खतरा हो सकता है। गुड्डो, ए गुड्डो, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरी बच्ची को अच्छी कर दे। गुड्डो, ए गुड्डो, ये क्या हो? बेटा मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, अब जल्दी से जाके मैं दवाई ले आऊं ना। नहीं पापा, मुझे दवाइयां नहीं, तुम चाहिए, तुम। नहीं बेटा, जिद नहीं करते ना, बस जल्दी से गया और जल्दी से आया। हाँ, बस अभी क्या, अभी आ। हाँ, गुड्डो, अरे गुड्डो बस अभी आ। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, 265 रुपए निकालिए। भैया मेरे पास तो सिर्फ 200 ही हैं, बाकी मैं कल ला कर दूंगा। तो दवाइयाँ भी कल ले जाना ना, चैरिटी समझ रखी है क्या? मेरी बच्ची बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। मर जाएगी तो मैं क्या करूँ? 200 रुपए पास है ना, वो भी रखो, शमशान में जलाने के काम आएंगे। चले आते हैं। चले नंबर 8, उठ चल, चाय पी। पकड़ो नंबर 8 भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। जेल से फरार होने के कारण मुजरिम की सजा 2 साल और बढ़ाई जाती है। जितनी बार तुमने जेल से भागने की कोशिश की है उतनी बार तुम्हारी सजा बढ़ती गई है। तुम्हें खतरनाक कैदी हो, अब तुम्हें ऐसी जेल में भेजा जाएगा जहां से तुम कभी ना भाग सको। जेलर मेरी बेटी ऐसे दोजख में बेसहारा है जिसे आप सब दुनिया कहते हैं। मैं भागता रहूंगा और भागता रहूंगा जब तक अपनी बेटी को मिल ना पाऊं। तब तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। तुम अपना फर्ज निभाते रहो, पाप अपना फर्ज निभाता रहेगा। ले जाओ इसे। आइए इंस्पेक्टर कुलकर्णी, नया कैदी लाए हैं क्या? सिर्फ एक, पिछली कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसलिए इस बार आपकी जेल में भेजा गया है। क्या नाम है तुम्हारा? कैदी का नाम नहीं होता है, नंबर होता है, पढ़ लीजिए। 8 है। ये लीजिए, ये कैदी का कुछ सामान है जो गिरफ्तारी के वक्त जब्त किया गया था। ये पेन हुआ, ये घड़ी, और ये क्या बदतमीजी है साहब? इस पर्स में मेरी बच्ची की तस्वीर है, इस जेल की घुटन में यह तस्वीर मेरे जीने का सहारा बन जाएगी, बड़ी मेहरबानी होगी, ये मुझे दे दीजिए, ये तस्वीर मुझे दे दीजिए। कितनी प्यारी बच्ची है। अरे पागल, जुर्म करने से पहले इस बच्ची के बारे में तो सोच लिया होता? तुम्हारी हरकतों की वजह से यह मासूम बाप के प्यार से दूर रह गई। साहब, बाप के प्यार ने तो मजबूर कर दिया था यह जुर्म करने के लिए। मेरे ख्याल से जेलर साहब, इंसानियत के नाते यह तस्वीर इस कैदी के पास रहने दी जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, एज यू से। लो जीवनलाल, लो।
आई कितने साल हो गए मैं बेटी? 8 साल से ज्यादा हो गए। तू इतनी छोटी सी थी और अपने पापा को ढूंढ रही थी, तभी हम तुम्हें अपने साथ ले आए। हमने भी तुम्हारे पापा को बहुत तलाश किया लेकिन वो आज तक नहीं मिले। न जाने कहां खो गए मेरे पापा। सर, बम विस्फोट में कई कैदी मारे गए। जी सर, और ये रही इसकी रिपोर्ट। कैदी नंबर 18, कैदी नंबर 20, कैदी नंबर 22, और हाँ सर, कैदी नंबर 8 भी मारा गया। कैदी नंबर 8? यानी कि वो बागी कैदी जीवन? जी सर, उसकी शक्ल तो इतनी बिगड़ गई थी सर कि पहचानी भी नहीं जा सकती थी। वो तो उसकी कमीज के नंबर से पता चला कि वो जीवन ही था। बेचारा बरसों जेल से भागने की कोशिश करता रहा, जेल से तो रिहाई ना मिली, जिंदगी से रिहाई मिल गई। भूखे लगते हो, रूखी बेड से क्या होगा, खाने के यहां बहुत सी चीजें हैं। भोला, किसी को मत बुलाना। घबराहट में बदहवास होने से कोई फायदा नहीं। परसों बीत गए, तड़पते हुए अपनी बच्ची के लिए अगर मुझे दोबारा जेल भेजने की कोशिश की तो मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। हाँ। तो तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए जेल से भागकर आए हो? बरसों तक रहे हो मालिक, काहे बुलाया मालिक? अरे ये ससुरा तो चक्कू तरे खड़ा है। भोला, बहुत खतरनाक चोर लागत है मालिक। ये चोर नहीं भोला, भूखा है और एक बदनसीब बाप भी। तुम्हें पहले खाना खिलाओ, फिर ऊपर वाले कमरे में सुला दो। ऊपर वाले कमरे माँ? वो तो छोटे सरकार की यादगार है मालिक। ये भी अपनी औलाद की याद में भटक रहे हैं, बहुत थके हुए लगते हैं। बराबर उसी कमरे में आराम करने दो, जाओ ले जा रहे। उस भगवान को क्या मानना जिसने कभी तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अब तो इस मूर्ति में तेरे लिए भगवान नहीं, सोना है, सिर्फ सोना। तेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बच्ची की तलाश में तुझे कहां कहां भटकना पड़ेगा, पैसों की जरूरत होगी। इस मूर्ति में सोना है, तेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। इस मूर्ति में सोना है, इस मूर्ति में सोना है, इस मूर्ति में सोना है। सरकार, गजब हुई गवा। सरकार, क्या हुआ भोला? वो रात रात गायब हुई गवा सरकार। हम अभी चाय लेकर कमरे में गए, वो गायब है। मालिक, अरे मालिक, मालिक पूजा घर से भगवान की मूर्ति भी गायब है, अब मैं किसे भोग लगाऊं? भोग भूलो पंडित जी, हमें चुना लगाया गया वो बदमाश। डाल ली कि मूर्ति सोने की है, चुपके से ले भागा। पुलिस मां तुरंत टेलीफोन घुमाओ सरकार। कोई जरूरत नहीं, भगवान न तो चुराए जा सकते हैं न सोने चांदी में कैद किए जा सकते हैं। वो तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में बसे हैं, निराकार हैं। कहा?
आप नहीं समझेंगे, आप जाके उस निराकार की पूजा में ध्यान दीजिए, जाइए। गुड मॉर्निंग सर। ये देखिए जज साहब, ये शख्स सोने की इस मूर्ति को बेचते हुए पकड़ा गया। इसने बताया कि यह मूर्ति इसने आपके घर से चुराई है। चुराई है? ये कहा तुमने? इंस्पेक्टर, ये मेरे दोस्त का बेटा है, जे भी। इस घर में जो कुछ है सब इसका। लेकिन सर इसने खुद कहा। ये कहे कुछ भी, मैं कह रहा हूं मेरे घर में चोरी नहीं हुई। आप इसमें चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? देखिए चीज उसकी है, वो बेचे चाहे रखे, उसकी मर्जी। समझ में आया आपको? सॉरी सर, माफी चाहता हूं आपसे और आपसे भी मिस्टर जेवी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जज साहब। कल रात आपने मुझे अपने घर में पनाह दी, खाना खिलाया और मैंने बदले में, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया आपने मुझे? बचाने वाला मैं कौन हूं? असली कर्ता तो भगवान है। तुम इसे अपने साथ ले गए थे, बस इसी ने बचा लिया। मैं तो इसे घर से चुरा कर ले गया था जज साहब, बेचने के लिए। भगवान का स्थान तो दिलों में होता है मेरे भाई, वहां से कौन चुरा सकता है? अब तुम ये मूर्ति अपने ही पास रखो, शायद इसी के जरिए एक दिन भगवान तुम्हारे मन में विराजने लगे। विराजते थे जज साहब, विराजते थे। किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरी श्रद्धा को ठोकर मारी है। ब्याह के 3 बरस बाद इसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, दूध पीती बच्ची से उसकी मां को छीन लिया। जब मैंने इस नन्ही सी जान को अपने जीने का सहारा बनाने की कोशिश की तो यही भगवान उसकी जान के पीछे पड़ गया। बीमार बच्ची के लिए मैं दवा लेने के वास्ते घर से निकला तो इसने मुझे वापस भी लौटने नहीं दिया, बल्कि जेल की सलाखों में बंद कर दिया। 12 साल के बाद जब वहां से भागना नसीब हुआ तो मेरी बच्ची दुनिया के अंधेरों में गुम हो चुकी थी। 12 साल बाद जज साहब, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद मैं भी तुम्हारी तरह बौखला गया था, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी, मेरा विश्वास डगमगा गया था। फिर एक दिन मैंने विचार किया कि किसके लिए दुख कर रहा हूं, किसके लिए रो रहा हूं, जो मेरा कभी था ही नहीं। उसके लिए जीवन और मृत्यु साथ साथ हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम कौन है कुछ करने वाले? करता तो सिर्फ एक है, परमात्मा। बस उसी दिन से मैंने अपने आप को उस सर्वशक्तिमान के हवाले कर दिया। बहुत विश्वास है ना आपको इस सर्वशक्तिमान पर, इस कर्ता पर? तो कहिए ना इसे मेरी बच्ची से मिला दे, आपके बेटे को लौटा दे, कहिए ना। हौसला रखो बेटा, मेरा दिल कहता है एक न एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिलेगी। कब मिलेगी जज साहब, आखिर कब? जीवन की अंधेरी रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत से काट सके तो सुबह की रोशनी जरूर नसीब होती है। शास्त्रों में कहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधेरे से उजाले में जाओ। भोला, अलमारी से मेरा बैग लेते आना। ये रकम रख लो। ले लो, रख लो इसे। इसके सहारे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। प्रभु ने चाहा तो बहुत कुछ कमाओगे, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना कि तुम्हारी इस कमाई पर उनका भी हक है जो बेसहारा हैं, लाचार हैं। आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगा जज साहब। और अगर फिर कभी अंधेरे तुम्हारे मन को घेरने लगे तो भगवान की इस मूर्ति से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे उजाला दो।
न जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि भगवान ने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया हो। उसका नाम भी जीवन था, प्यार से हम उसे ये भी कहते थे। मुझे विश्वास है तुम मेरी जीवन की सारी आकांक्षा को पूरा करोगे। जाओ बेटा, नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधेरे से उजाले में जाओ, उजाले में जाओ, अंधेरे से उजाले में जाओ, उजाले में जाओ। सलाम साहब। घोर निराशा के अंधेरों से तुमने छुटकारा तो दिलवा दिया है भगवान, फिर भी जीवन में पूरी तरह उजाला नहीं है। धन है, नामो इज्जत है, दूसरों के लिए जीना सीख लिया है मैंने, फिर भी एक सुनापन सा लगाव है मेरी जिंदगी के साथ। गुड्डो, मेरे जीने का मकसद थी, मिला दो भगवान, मिला दो, अब तो उसे मिला ही दो। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है, हो तेरे मेरे। निमो, ये आंसू जरूर कोई कसर है मेरे प्यार में। नहीं जी, साइकिल साफ करते करते पापा याद आ गए। कितनी कोशिश करती हूँ पर उन्हें बुला नहीं सकती। मैं तुमसे ये तो नहीं कहता कि पापा को याद मत किया करो, बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना प्यार दे सकूँ कि तुम्हारे सारे गम डूब के रह जाएं, कोई भी याद तुम्हारी आंखों में आंसू न ला सके। जानती हूँ जी, मैं भी डरती हूँ कि हमारे प्यार को जमाने की नजर ना लग जाए। निमो, गाओ काम। अरे राजन दादा, कब छूटे? आज ही, साइकिल उल्टी है। जाओ ना को बताशे, मैं और गौतम पुराने यारा। निर्मला मेरी पत्नी है। ऐसा क्या? तू बड़ा नसीबा वाला रे गौतम। लेकिन ये फटाका तेरे को किधर सपड़ी, कैसे सपड़ी? इज्जत से बात करो राजन। तू तो फुकट में बिगड़ता रे गौतम। तेरा मेरा भाईचारा पांडव समान, अभी सौभाग्य से तेरे को सपड़ गई। तू मेरे पे हाथ छोड़ा, राजन दादा पे हाथ छोड़ा तो पांडव नहीं दुर्योधन है नीच। फिर कभी तेरी गंदी जबान पर मेरी पत्नी का जिक्र आया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। ये गुस्सा तेरे को भारी पड़ेगा रे गौतम, बहुत भारी पड़ेगा। अरे सुनिए, रुठो मत, उसे ऐसा सबक देकर आया हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा, तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगा। वो जेल से छूट कर आया है ना? हाँ। मैं पूछती हूँ, तुम ऐसे गंदे लोगों के साथ दोस्ती रखते कैसे हो? अब तुम कान खोल के सुन लो, अब उसके साथ कोई लेन देन नहीं रखना। हाँ, जैसा तुम बोलो, मुझे तो जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। Thank you.
होनी है हाँ दिल दिया दिल दिया ओ लेना देना रीत प्यार दी ओ प्रीत तेरी जान यार दी हाँ लेना देना रीत प्यार दी ओ प्रीत तेरी जान यार दी हाँ निया बेलिया Thank you.
बदिया में खिली खुश कितनी मिली तनु अपना बना के तेरा रब रखा हो, 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 हो मोहनिये सोहनिये हाँ दिल दिया हाँ लिया दिल दिया भगवान कहते हैं तुम तो शैतान से कंपटीशन किए अरे इतने निर्दय इतने कठोर तुम कैसे हो गए जी मेरे से मेरा यारा छीने तो छीने गुलाब के फूल जैसे जोरू से उसका मर्द छीने ये मैं कैसे दिया कना जी कैसे दिया कना इस नन्ही मासूम पोटी से उसका बाप छीने ये मैं कैसे देखना जी कैसे देखना सलाम सरकार कौन है ये लोग अब क्या बताएं फाके मस्त हैं आसपास के गांव में अकाल पड़ा है ना इसीलिए शहर दौड़ लिए जैसे यहाँ नौकरी पेड़ों पर लगी है आपने कभी फाका किया आपकी दया से आज तक नहीं सरकार इसलिए इतने कठोर हो इन्हें अंदर आने दो जो हुक्म गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सलोचना को भेजिए जी आपने मुझे याद किया सर हाँ बाहर 30-40 अकाल के हमारे लोग बैठे हुए हैं उन्हें कहां पे लगा लो
किस काम की सर? फैक्ट्री में तो कोई जगह खाली नहीं है। तो जगह बनाइए। देखो अगर उन्हें रोटी नहीं मिलेगी तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना जाने क्यों मुझे बच्ची का ख्याल आ रहा है, ना जाने किस हाल में होगी। कौन सी बच्ची? हाँ कुछ नहीं, जाओ ना काम पे रख लो। As you say, sir. लग रही थी मैम साहब, इसलिए। काम चोरी का अच्छा खासा बहाना साथ लाई हो तुम। ऐसा मत कहिए मैम साहब, आपकी अपनी भी तो औलाद होगी। बको मत। शायद आप नहीं जानती मैम साहब कि ममता क्या होती है। दबा चलाती है लोनिया, निकल जा यहाँ से, तेरी नौकरी खत्म। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत करिए, रहम कहिए, तरस कहिए इस बच्ची पर। मैं एकदम बेसहारा हूँ मैम साहब, मेरे साथ ये बच्ची भी दादा की टोकरे खाएगी। मुझे यकीन है तू बेसहारा बनी होगी अपने लक्षणों के कारण। माँ बाप ने तुझे घर से निकाला होगा क्योंकि पापी संतान है तेरी गोद में। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए आप। हर बच्चलन औरत यही कहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। मैं सच कह रही हूँ या झूठ, इसका फैसला आप सेठ जी को करने दीजिए। सेठ जी तेरी शक्ल में थूकेंगे भी नहीं। निकल यहाँ से, दरबान निकाल इस उल्टा को। नको जी, धूल से उठा के खाओ नको, हाइजा होता कहते। ओके क्या, चलो मैं पेट भरता तुम्हारा। अपने मर्द की कमी महसूस करूं ना गोगे, मैं जो है चलो खिलाता हूँ। मुझे नहीं खाना। तुमको खाना च मांगता जी। हाँ पेट भूखा तो ऊपर सूखा। हाँ फिर इस पोटी को पिलाओगे क्या? डरू नको जी, डरू नको, मैं गौतम का जिगरी यार। हाँ साथ चलो जी। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। कैसे छोड़ना गए बेबी? हाँ एक दिन मेरे को भी ऊपर जाना, फिर गौतम को क्या जवाब देना? मैं तुमको दर दर का ठोकरा खाने दिया। राम 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 राम, तुमको साथ चलना पड़ता। आओ तुम उसे चाहते क्या हो? कोऑपरेशन। नजर घुमाओ जी, चारों बाजू अपने चलोगा। देखो इधर भी देखो, अब तो कोऑपरेशन देना च पड़ता। आओ आते किधर के बतकम्मा। अगर किधर सटक लिया बताशे? छुपा छुपी खेलते क्या? हाँ
पड़ो, हाथ जोड़ती हूँ, दूर रहो। कैसे रहना जी? रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। चलो तुम पुकार ले भगवान को। हराम ज़ादे, कयामत देखनी थी ना तुझे, तो देख क्या चीज मुझ में है जो तेरी माँ बहन में नहीं। घर जाओ उन्हें नंगा करके देख, वहां भी तुझे यही वादियां, यही तूफान मिलेंगे। तूने एक मजबूर माँ पर बुरी नजर डाली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत फुदक रही थी ना, अब फुदक। बेटी बेटी, मैं भी एक औरत हूं। इस वक्त तेरे मन पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ। चलो अंदर, डरो मत, मेरे घर में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आओ आओ आओ। बैठो बेटी। खुद को संभालो बेटी, ये नन्ही सी जान तुम्हारी गोद में है, इसके लिए खुद को संभालो। इतनी रात गए इसीलिए कहां भटक रही थी? क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? हाँ, अब तो भगवान भी तुम्हारा नहीं। कहते हैं उसने द्रौपदी की लाज बचाई थी, लेकिन आज आज न जाने कितनी द्रौपदियां उसे पुकार रही हैं और वो बहरा हो गया है। अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा बेटी। हम औरतों के लिए बड़ा कठोर है ये मर्दों का समाज। ये दाग जो तुम्हारे दामन पर लग चुका है उसे तुम्हारे आंसू के समंदर भी नहीं धो सकते। इस कठोर समाज में जीना सीखो बेटी, आंसू पीना सीखो। इस बच्ची को पालना है ना तुम्हें? सड़क पर फेंके हुए टुकड़े खिलाकर पालना चाहोगे इसे? अगर इसे हर सुख देना है तो तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा। ठोकर खाना नहीं, ठोकर मारना सीखो। बदला लो, बदला लो इन अकमत के खरीदारों से। हर शेर की कीमत
ना। ओम हरिओम। भैया शो कर दे साहेब बेबी गुलाम वो भी कलर में धात तेरे की मारे गए। अरे भैया अपने पास तो सिर्फ एक गुलाम है और वो भी चिड़ी का आई समझ में। अजी सुनती हो क्या है अपना तो खीसा खाली हो गया एक दो हरे नोट थमा जाओ लाओ ये ताश और चलते बनो यहाँ से। अरे हाय हाय ये क्या गजब डाल रही हो ये जुआ खाना नहीं मेरा घर है। अरे ससुरी तो मैं तो घर वाला हूँ यहाँ पर तुम चुप रहो जी चलो भागो यहाँ से फौरन। भागो 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 यार पकड़ के भागो। देख मोटी इस मोहल्ले में अपनी भी एक पोजीशन है आई समझ में और तेरा क्या है जब देखो तब सबके सामने मेरी पोजीशन डाउन करती रहती है। और नहीं तो क्या पूजा करो तुम्हारी न काम के न काज के हर रोज जुए में हारने के लिए हरे नोट चाहिए तुम्हें तो तू कौन सा कमा के देती है। निर्मला को बुलबुल बनाए 5 साल हो गए अभी तक उसी की कमाई से तो मौज कर रहे हैं हम दोनों। तो उससे रुपए खींचने के लिए मुझे जुआ करना पड़ता है तुम्हारी मौज के लिए कब तक खींचती रहूं हमें सिर्फ एक बच्ची पालनी है 4 नहीं। आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं चाची है? क्या किया मेरी बच्ची ने कुछ नहीं बेटी बड़ी प्यारी है तेरी बच्ची बहुत हिल गई है ना मुझसे इसलिए जलती है ये मोटी। ये मर्दुआ जलता है बच्ची को प्यार ज्यादा मुझसे मिलता है मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। अब तो झगड़ा खत्म कीजिए भगवान की दया से मेरी बच्ची को आप जैसे चाहने वाले मिल गए हैं। कहाँ है किरण अब तक तो स्कूल से आ गई होगी ना। हाँ हाँ लौट आई पिछवाड़े खेलने गई है आती होगी। रोज मैं खुद जाता हूँ उसे स्कूल से लाने। लड़की जिद करती है कि टैक्सी में लौटूं। हाँ। अभी तक मैंने पल्ले से 300 रुपए खर्च कर दिया उसकी टैक्सी पे। कोई बात नहीं लीजिए। सुनो जी किरण की टीचर ने तुमसे जो 400 मांगे थे ना उस बारे में भी निर्मल बेटे को बता दीजिए ना। 400? हाँ 400 रुपए किस लिए ये तुम्हें बता दो ना तब तक मैं जाकर किरण को ले आता हूँ। माँ बेचैन होगी बेटी से मिलने के लिए है ना। बात ये है बेटी किरण पढ़ाई में कमजोर है ट्यूशन के लिए टीचर को 400 एडवांस चाहिए कल ही। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 300 है। कोई बात नहीं बेटी किरण हमारी भी तो बेटी है 100 हमारे पल्ले से लगा देंगे बाद में तुम लौटा देना हमें। उस दिन घर में सवेरे जब तू झाड़ू देने के बजाय सो रही थी तो मैंने तुझे सिगरेट का चटका दिया था याद है ना। अगर आज तूने अपनी माँ को कुछ भी बताया तो सारा बदन दाग दूंगा आई समझ में। अपनी माँ से कहना कि तू हमारे साथ बहुत खुश है आई समझ में। क्या कहेगी बता। मम्मी मैं ये बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं हंस के कहना बिटिया ठीक है। अच्छा अब तू ये फटी फ्रॉक उतार दे और ये अच्छी वाली फ्रॉक ये वाली पहन ले जा और ये झाड़ू मुझे दे जा। ये देखिए कपड़ों की तो दीवानी है ये बच्ची हर महीने 2-3 नए फ्रॉक चाहिए आजकल तो मोटरगाड़ी की रट लगा रखी है। उसकी कुछ सहेलियां मोटर से स्कूल जाती है ना कहती है अगर उसके लिए झटपट मोटर ना खरीदी जाए तो स्कूल जाना छोड़ देगी। नहीं चाची ऐसा मत होने दीजिए मेरी जिंदगी का तो बस एक ही अरमान है कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे तभी उसकी जिंदगी सवर सकेगी। मम्मी मेरी मम्मी मेरी प्यारी मम्मी जान मेरी रानी देख मैंने तेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं
फ्रॉक लाई है, बिस्किट लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं। तू खुश है ना? हाँ खुश है ना? हम जीत गए सर। वेल डन कुमार, वेल डन। हार जीत पर कितने रुपए लगे? कुछ नहीं, इनसे मिलो, शहर के बहुत बड़े रईस और हमारे मेयर सेठ जेवी। सेठ जेवी, जनता फैक्ट्री के मालिक? और भी कई इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये, बड़े बड़े कारोबार हैं इनके बुलबुल, मगर जुआ नहीं खेलते। मगर जुआ नहीं खेलते। आजकल तो ये दुनिया ही एक जुआ खाना है। कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना ही पड़ता है। बिना जुआ खेले आपने इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर ली सेठ जी? गरीबों की दुआएं हासिल करके। दुआएं? तब तो ये नहीं जानते कुछ गरीबों को। जह नसीब, आप जैसे अछूते इंसान से मुलाकात हुई। ग्लैड टू मीट यू सर। वेरी नाइस मीटिंग यू। अच्छा भाई कुमार चलते। ओके सर, मैं तो अभी यहीं रुकूंगा। ना तो मैं इसकी फैक्ट्री से निकाली जाती और ना ही मैं यहां आती। तुम कहां चली रानी, अभी तो रात जमा है। पाप का माल समझा है क्या? एक तन्हा लड़की को आप लिफ्ट देंगे? आप जैसे रईसों से मुझे यही उम्मीद है। कहाँ जाना? कहीं भी ले चलिए, मेरी कोई मंजिल नहीं। चाहे तो अपने घर ले चलिए। क्या मतलब? आपके घर वालों से मिलकर बहुत खुशी होगी मुझे। मैं अकेला रहता हूँ। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। बहुत बेबाक लड़की हो जनाब, हालात ने बना दिया है। वैसे आप जैसे रईस जादों को मेरी बेबाकी बहुत पसंद है। दिल के साथ बाहें भी खुले रखती हूँ, चाहे तो आजमा लीजिए। मेरी तबाही का कारण तू है जेवी सेठ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जानू 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 जानू, तुम इतने दिना मेरी कमी महसूस किए होंगे। मैं क्या करना, पुलिस मेरे को जेल में भेज दी, कल ही छूटा। डरो नको, अब छोड़ के नहीं जाता। हराम साधे, आखिर तुम इसे चाहता क्या है? कोऑपरेशन बेबी, कोऑपरेशन। तुम निर्मल से बुलबुल बन गए कते, हैं? लोगा को खूब लूटते कते। कोऑपरेशन दो जी, मैंने तुमको दिया। तुझे हिस्सा चाहिए? अभी देती हूँ। ऐसा क्या, मेरी को मार के तुम सूली पे चढ़ते या जेला में सड़ते, फिर तुम्हारी पोटी का क्या होता सोचे तुम? तुम्हारी किरण भी जवानी पकड़ते ग्रहा का पकड़ती। हाओ किरण, तू मेरी बेटी के बारे में क्या जानता है? क्या जानता, तुम्हारी पोटी मेरे चाची के घर पलती। चाची? हाँ, तुमको अपनी पोटी के हाथा पावा बराबर देखना तो रुपये निकालो 5,000।
5000। मेरे पास बस इतने ही है। इतना छे? ठीक है, बाकी उधार चुका देना कल परसों। गैराज में अपना लेन देन ऐसा जमा कि तुमको उधार देना पड़ता। सुनो, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम मेरी मौज मजा और दारू पानी का ख्याल रखना, मैं तुम्हारी पोटी का ख्याल रखता। बाप रे सर। तुम्हारी किरण भी जवानी पकड़ते ग्राहका पकड़ती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आना हुआ ऑफिस सर? आपसे मिलने। मुझसे मिलने? मेरा फर्ज है सर, आप इस शहर के मेयर हैं और मैं इस इलाके का नया डिप्टी कमिश्नर। कल ही चार्ज लिया है, बस सलाम करने हाजिर हो गया। बहुत खूब, आपकी तारीफ आपसे पहले हम तक पहुंच चुकी है। आप मिस्टर कुलकर्णी हैं ना? जी, तारीफ के काबिल तो आप लोग हैं सर, जो जनता के दिलों पर छाए रहते हैं। मैं भला किस काबिल हूं? क्यों नहीं, आप जैसे फर्ज के पाबंद और ईमानदार ऑफिसर के भी चर्चे होते हैं, लोग अक्सर याद रखते हैं उन्हें। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर। याद पर एक ख्याल आया सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। देखा होगा, जरूर देखा होगा। पब्लिक फिगर होने की एक दिन ये भी है, लोग समझते हैं कि चेहरा जाना पहचाना है। बैठिए ना, क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? नो थैंक यू सर, फिर कभी। एक्सक्यूज मी, याद करने के चक्कर में आप कुछ भूले जा रहे हैं। जी, आपकी स्टिक। ओ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अजी सुनती हो, निर्मला बेटी आई है। मम्मी, बर्तन धो हरामखोर, बाहर निकली तो दांत तोड़ दूंगी, समझी? बेटी किस बात की घबराहट है? अरे आओ ना, आओ बेटी, आओ बैठो चैन से, आओ। अब तो किरण को यहां से ले जाकर ही चैन आएगा मुझे, उसे लेने आई हूं। लेने आई हो? मगर क्यों बेटी, किरण चली गई तो ये घर अंधेरा हो जाएगा, और अगर वो यहां रही तो उसका जीवन अंधेरा हो जाएगा। मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। आज क्या हो गया ऐसे? अरे सुबह से दारू में ओवरलोड है, अनशेंट बक रही है। बकने दो, मैं पूरे होश में हूं, किरण को ले जाने का अधिकार है मुझे, मैं उसकी माँ हूँ। माँ? अजी माँ जाए भाड़ में, दुनिया जानती है किरण को हमने पाला है, वो हमारी बच्ची है, आई समझ में? और उसे पालने में हमने हजारों खर्च किए हैं। झूठ मत बोलिए, उसका सारा खर्च आप लोग मुझसे लेते रहे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। आज तक मैंने जितना भी कमाया आप लोगों को देती रही। क्या दिया हमें? तुमने रुपए दिए तो हमने तुम्हारी लौंडिया को प्यार दिया, और प्यार रुपयों से नहीं तोड़ा जा सकता, समझे? देखो ना, हम चाहते हैं कि हमारा ये आपस का लेन देन बना रहे, इसीलिए किरण यहीं रहेगी, आई समझ में? किरण यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी,
उसे फौरन मेरे हवाले कर दो। इसे देखो, हमारी बिल्ली हमी से ना हो। बिल्ली नहीं, शेरनी है तुम्हारे सामने। अपनी औलाद की रक्षा की खातिर एक अबला माँ भी शेरनी बन जाती है। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, वरना लाशें गिरा दूंगी तुम दोनों की। अरे रिश्तेदार जी, ये तमंचा असली है क्या? शक है तो देखो। चिल्ला मत, खून तो अब बहेगा। अपनी जान प्यारी है तो किरण को मेरे हवाले कर दो। तुमको पहले ही बोला, इस खिलौने से खेलो ना को। नाजुक कलई लचकती कते। डालो, जितना भी सितम मुझ पर ढाना है डालो, लेकिन मेरी बच्ची पर जुल्म मत करो। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, इस घर में उसका दम घुट जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। भगवान से डरो जालिमो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। माँ की है मत लो, माँ की है मत लो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। बेचारी पर थोड़ा तो तरफ तो खाओ, थोड़ा तो हाथ तो खाओ। हम तो मलाई खाते हैं दारी, कमाई तुम्हारी मलाई हमारी। किरण हमारे पास रहेगी बेटी, जा चली। क्या बोलते चाचा, बेबस माँ की हाय नहीं लेना कते, भगवान को डरना कते। तुम पोटी मांगते बताशिए, मैं ही देता हूँ। कारतूसा है इस पिस्तौल में, आबेज देता हूँ पोटी की लाश। लाश नहीं, देश तुम पीले पड़ गए बताशिए। तुम्हारे गाला सूरज देखना मेरे को, आबिश करता हूं। दादागिरी से पोटी ले जाने को आई, बकस को ऑपरेशन से ले जा सकती। पहले 2 लाख रुपए दे, फिर पोटी ले। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। मैं तुम्हारे रुपए तुम्हें हर महीने पहुंचा दिया करूंगी। नको नको नको, पहले पैसा फिर पोटी, समझी? अरे भाई बाहर, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। नहीं मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। नहीं उसके लाल बच्ची ना, मम्मी 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 मम्मी, मेरी मम्मी। गुड्डो मेरी, गुड्डो गुड्डो। मेरा नाम गुड्डी नहीं, किरण है। तुम्हें वहां कहाँ है? उस ऑटो में गई है। अंकल आप मुझे अपनी कार में बिठा के वहां तक पहुंचा सकते हैं? बाप की तरफ देख पोटी, चल घर को चुपचाप चल। चलो भाई, तुम इस बच्ची के बाप हो? आओ, और इस आखे मोहल्ले का बाप भी मैं छू, इसलिए बाजू छोड़ और फूट ले जल्दी जा। चल खिड़की से भागती करे पोटी, चल जल्दी चल। चलो भाई, इस बच्ची के माँ का नाम क्या है? अरे इसकी माँ का नाम तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम इस पोटी को संभालो चाचा, सेठिया को मैं संभालना। परसों पहले मैं एक बच्ची को जानता था जिसकी शक्ल बिल्कुल इसकी तरह मिलती है। इसकी माँ का नाम निर्मला है ना? निर्मला नको, गोरिला इसकी माँ का नाम। अब तू अपना रास्ता पकड़ता या मैं तेरा गला पकड़ना।
इस लड़की को मिलते मेरे मन की किरण जाग उठी और फिर अंधेरों ने घेर लिया। उस लड़की की शक्ल मेरी गुड्डो जैसी क्यों है? क्या लीला है तेरी ये भगवान, क्या लीला है तेरी ये भगवान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। उस लड़की किरण के बारे में पूरी मालूमात लेकर आया हूं। जिनके घर में वो रहती है उन्हीं की बेटी है, अड़ोस पड़ोस वाले भी यही कहते हैं। लेकिन उसकी मां का नाम क्या है, किसी को मालूम है? जी नहीं, किसी ने उसे देखा भी नहीं। बस इतना पता चला है कि जब ये बच्ची कुछ महीने की थी तो उसकी मां किसी और शहर में मर गई थी। मर चुकी है लोग कहते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। स्कूल के रजिस्टर में सिर्फ बाप का नाम लिखाया गया है, राजन। सर आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी। मुश्किल है सर, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि आप शाम को जरूर आएंगे, ये मेरी इज्जत का सवाल है। सर प्लीज। ओके वेलकम। क्या देख रहे हैं एसपी साहब? उन दिनों की कुछ धुंधली तस्वीरें जब मैं इंस्पेक्टर था। इस तस्वीर को देखकर कुछ पुरानी तस्वीरें जहन में उभर आई। इस तस्वीर का उस इंस्पेक्टर वाले दिनों से क्या ताल्लुक है? कुछ तो होगा सर, वरना वो तस्वीरें मेरे जहन में ना उभरती। पुलिस वाले बहुत शक्की होते हैं। अगर शक ना हो सर तो हम सबूत तक नहीं पहुंचते। पुलिस वालों का पहला कदम होता है शक, और अदालत का आखिरी तोड़ होता है शक। और आपके सबूत में अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रह जाए शक की, तो मुजरिम रिहा भी हो सकता है। मैं हमेशा ठोस सबूत की बुनियाद पर ही अदालत जाता हूं सर, क्योंकि कानून की रक्षा करना मेरा धर्म है। इजाजत दीजिए। कितनी जल्दी? कुछ और तहकीकात करनी है। विश ऑल द बेस्ट। गुड डे सर। बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ गई। दोनों फेफड़े बुरी तरह से इफेक्टेड हो गए हैं। कितनी बार कहा है आपसे शराब और सिगरेट छोड़ दीजिए, नाचना बंद कर दीजिए। कठपुतली हूं डॉक्टर, मर्दों के हाथों में कठपुतली। नाचूंगी नहीं तो जीऊंगी कैसे? मेरी बेटी की परवरिश के लिए पैसे कहां से आएंगे? कम से कम सिगरेट और शराब छोड़ना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। अब तो शराब ही जिंदगी बन चुकी है डॉक्टर। कैसे छोड़ू? इस माहौल में जीने के लिए पीती हूं डॉक्टर। जीने के लिए नहीं, हा? मरने के लिए। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मेरी बच्ची लुटेरों की दुनिया में अकेले रह जाएगी डॉक्टर, मेरी तरह वो भी उनका शिकार बन जाएगी। डॉक्टर मेरे लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए सही। आपको मुझे जिंदा रखना होगा, मुझे जिंदा रखना होगा डॉक्टर। डॉक्टर क्या कर सकता है जब आप खुद को मिटाने पर तुली हुई है? अब तो भगवान ही मालिक है आपकी जिंदगी का। भगवान? क्या कहने उस भगवान के। बचपन में बाप छीन कर मुझे अनाथ बना दिया, जवानी में पति छीन कर पतिता, और अब वही खेल मेरी बच्ची के साथ खेलना चाहता है।
नहीं डॉक्टर, मैं जीऊंगी, हर हालत में जीऊंगी, अपने बच्चे के लिए उस निर्दयी भगवान से भी टकरा जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं अपनी बच्चे की जिंदगी ना सवार दूं, मैं मरूंगी नहीं डॉक्टर, मैं मरूंगी नहीं।
एक और। ये लास्ट पैक है मैम साहब, बार बंद हो चुका है। अरे आओ आओ जेवी सेठ, उस दिन तो मुझे गाड़ी से थप्पड़ मार के उतार दिया था, आज खुद चले आए। मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगे। अच्छा तो बताओ, डांस में मेरी कौन सी अदा भाग गई? बकवास बंद करो, बहुत पी चुकी है, इधर लाओ ये जाम। तो जाम के साथ ये पर्स भी हाजिर है। ये किस लिए? चुपके से एक नोटों की थप्पी इस पर्स में रख दो, मैं तुम्हारी सुनी रातों को रंगीन कर दूंगी। रुक क्यों गए जेवी सेठ, मारो थप्पड़। इस पेशे में मुझे मार खाने की आदत सी पड़ गई है। मत करो ऐसी बातें जो दिल में नस्तर लगाए। मैं तुम्हारे पास हमदर्दी के लिए आया हूं। समझ गई, आप उन लोगों में से हैं जिसे हुस्न की तलब नहीं, हमदर्दी की तलाश है। मुझसे हमदर्दी नहीं मिलेगी तुम्हें। तन के सौदागरों ने मेरे मन को इस तरह कुचला है कि इसमें कोई भी कोमल जज्बा बाकी नहीं। मैं तो यह भूल ही गई हूं कि हमदर्दी किसे कहते हैं। तुम किसी की हमदर्द बन नहीं सकती, लेकिन किसी को हमदर्द बना तो सकती हो। आज तक चारों तरफ लुटेरे ही देखे हैं मैंने। इस समाज में इस पतित औरत का हमदर्द कौन बनेगा भला? मैं? तुम? न जाने मेरे मन में क्यों एक अपनापन सा महसूस होता है तुम्हें देखकर। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा, ये गंदी जिंदगी छोड़ दो। ये तुम कह रहे हो जेवी सेठ? इस गंदी जिंदगी में ढकेलने वाले भी तो तुम हो। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सच कह रही हूं मैं। कभी मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम किया करती थी, इज्जत की रोटी कमाना चाहती थी, लेकिन वहां मुझ पर बच्चलनी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे निकाल दिया गया। मुझे जरा सा भी इल्म नहीं कि तुम्हें फैक्ट्री में कब रखा गया और क्यों निकाला गया। तुम्हारे ही लोगों ने निकाला। उस वक्त मेरी गोद में एक दूध पीती बच्ची थी, सर पर से पति का साया उठ चुका था। पापों से बचने के लिए मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में सहारा ढूंढा, लेकिन वहां मेरी जायज औलाद को नाजायज करार दिया गया और मुझे निकाल दिया गया, ताकि एक अबला औरत दर दर के ठोकरे खा सके और अवस के दरिंदों का आज की आवारा बुलबुल कल की एक नेक चलन लड़की थी जेवी सेठ। अगर तुम्हारी फैक्ट्री से जवाब नहीं मिलता तो आज भी देख चलन होती, लेकिन तुम लोगों ने मुझे आवारा बनने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया जेवी सेठ। मैं तुमसे नफरत करती हूं। आई हेट यू।
दस्तक बंद दरवाजों पे दी जाती है जेवी सेठ। चले आओ, वैसे भी ये दरवाजा सबके लिए खुला होता है। बताओ मुझे, कौन था वो जिसने तुम्हें बच्चलन कहकर मेरी फैक्ट्री से निकाला था? मैं उसे जिंदा काट दूंगा। उसे जिंदा काटने से क्या मेरी लुटी हुई आबरू वापस मिल जाएगी? जिंदा तो तुम लोगों ने गाड़ दिया है मुझे इस पाप के दलदल में, अब क्यों हमदर्द बनते हो मेरे? तुम्हारी ये हमदर्दी मेरे जख्मों पर नमक का काम करती है। भगवान जानता है कि मैं तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन तुम अगर मुझे कसूरवार समझती हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। खैर छोड़ो, आओ कुछ धंधे की बातें करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। कुछ ग्राहकों को मेरा ये खेल बहुत पसंद है। मैं आगे आगे दौड़ती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, मुझे पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं। लड़की पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ ग्राहकों को मेरी ये अदा बहुत पसंद है। बकवास बंद करो, मत करो इस तरह की बातें। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? इस बाजार में सिर्फ खरीदार आते हैं, तुम क्यों आने लगे? हाँ, तुम्हें खरीदारों से बचाने के लिए, बाजार से निकालने के लिए। बाजार से निकलकर कहाँ जाऊं? अपनी कमसिन बच्ची को कैसे पालूं, जिसके लिए मैं जिंदा हूं, जिसके लिए हर सांस ले रही हूं मैं। मेरी भी एक बच्ची थी जिसकी याद मैं सीने से लगाए जिंदा हूं। जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे उसकी याद आती है, जो मुझसे न जाने कहां बिछड़ गई। तुम दौलत के लिए अपना जिस्म बेचती हो ना, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। लौट जाओ इन भले लोगों की दुनिया में और अपनी बेटी को वहीं पालो। किस दुनिया, किस समाज में भेजना चाहते हो मुझे? उस समाज की औरत को तवायफ बनने के लिए रात का एक पल काफी है, लेकिन एक तवायफ को उस समाज की औरत बनने के लिए सारी उम्र भी कम है। वहां लौटकर ना ही तुम एक औरत रहूंगी और ना ही तवायफ। मत निकालो अपने मुंह से ये गंदा लफ्ज, दुख होता है। मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देख सकता। तो किसने कहा है देखने के लिए? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहां से। ठीक है, जाता हूं। मैं ये भी जानता हूं मेरा तुम पर कोई जोर नहीं। भला मैं तुम्हारा लगता ही कौन हूं? मेरी खातिर ना सही, अपनी बच्ची की खातिर, अपनी बेटे की खातिर इस गुनाह की दुनिया से लौट जाओ। छोड़ दो ये पेशा। नसीहत तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बाप हो। ये कहकर तुमने गाली दी है मुझे अपनी तरफ से, लेकिन मैं इस गाली को स्वीकार करता हूं, अपने गले से लगाता हूं। बेटी कहता हूं तुम्हें, बेटी। मेरी भी एक बेटी थी। एक तूफानी रात में नन्ही सी गुड़िया इस बदनसीब बाप के इंतजार में बारिश में भीगती रही। निमोनिया ने जकड़ा उसे। मैं उसके लिए दवा लेने गया,
परे भी आड़े आ गई, जेल में डाल दिया गया मुझे। तब से ढूंढ रहा हूं उस नन्ही सी कुटिया को। ना जाने किन अंधेरों में खो गई मेरी गुड्डो। खैर चलता हूं, लेकिन वादा करता हूं आइंदा इस घर में कभी नहीं आऊंगा। आसमान की परी थी जिसे इस दुनिया के राक्षसों ने उसे लूट लिया। मैं तुझे इस नरक से बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रखूंगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूं। नहीं पापा, आपको ले जाने दूंगी। बचपन में मेरे इलाज के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे। चुका उसे, तू जानती है, बिल्कुल तेरे जैसे प्यारी सूरत है उसकी, जैसे बचपन में तेरी हुआ करती थी ना। आप मुझे नहीं, मेरी बेटी किरण को नरेंद्र से निकालिए ना। मैं आज ही निकालूंगा, तुम पहले ऊपर चलो, ऊपर चल के आराम करो। चलो आओ। जीवी सेठ, क्या बात है ऑफिसर? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। क्या बकवास कर रहे हो? भांडा फूट चुका है, हम जान चुके हैं कि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जेल से भागा हुआ एक कैदी जीवनलाल। क्या सबूत है? अदालत में पेश किया जाएगा, फिलहाल अपनी गिरफ्तारी का ये वारंट पढ़िए। परसों के बाद बाप बेटी मिले हैं, इसकी हालत देखो, बहुत बीमार है, तरस खाओ इस पर। मैं वादा करता हूं एक रात की मोहलत दे दो।
कल मैं कोई वादा नहीं होता कानून और मुजरिम के बीच, और फिर तुम जैसे मुजरिम का क्या भरोसा जो बार बार जेल से भागता रहा। गौर से देखो ऑफिसर, गौर से देखो इसकी हालत, खून थूक रही है ये। कानून जज्बात को नहीं देखता जेवी सेठ, सिर्फ मुजरिम और उसके जुर्म को देखता है। एसपी साहब, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि एक माँ भी है। इसकी बेटी लोगों ने इसे छीन ली है। एक बार मुझे माँ बेटी को मिलाने तो मैं खुद कानून के हवाले अपने आप को कर दूंगा। हाँ, बंद करो ये जज्बाती बातें, चलो मेरे साथ। नहीं 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 रे, एक एसपी साहब, एक एहसान करिए मेरे पे प्लीज, मुझे इसे ऊपर इसके कमरे में छोड़कर आने दीजिए, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा प्लीज। ठीक है, टेलीफोन कर दिया है, दूसरी चीज मंगवा लिए। जल्दी मंगवाओ। जल्दी करो, चलो। तुम यहीं रुको, मैं किरण को लेके आता। तो वही सेठ है ना जो उस दिन किरण के बारे में। हाँ 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 हाँ, बच्ची की माँ को तो तुमने धक्के मार के निकाल दिया था, अब मैं बच्ची को लेने आया। उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी सेठ, आई समझ में? कीमत? उसकी कीमत तो 2 लाख है सेठ, 2 लाख। उसकी कीमत लगाने वाले तुम कौन हो? किरण पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, वो भी गनीमत समझना, समझे? किरण की माँ के 2 लाख चुकाने ही पड़ेंगे सेठ, जरा सोचो तो। इस पक्की उम्र में उस जैसी पटाखा और बकपक्की ना तो जुबान खींच लूंगा। तू जानता नहीं निर्मला मेरी बेटी है। क्या कहा? निर्मला तुम्हारी बेटी है? हाँ, परसों से खोई हुई थी। किरण कहाँ है? मैं पूछता हूँ किरण कहाँ है? किरण कहाँ जा रहे किरण, 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 छोड़ दो इसे। चल बेटी, चल, चल। बेटी चल, मैं बहुत थक गई हूँ। आजा आजा मेरे पास। हीरो जी, हीरो।
इधर सटकते हैं। अरे इस पोटी को पाले सो हम लोग, और तुम फुकट में ले उड़े। इस वक्त जाने दो, हम दोनों को मैं वादा करता हूँ तुम्हारे तो चाची के वहां 2 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। अपना पोजीशन देखो जी, तुम शहर के मेयर कते, इतने बड़े सेठिया कते, तुम्हारी नवासी का दाम मैं फकस्त 2 लाख लगाना। मेयर का इतना अपमान मैं कैसे करना जी। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20 लाख। ठीक है, पहुंच जाएगा 20 लाख, अब मेरा रास्ता छोड़ो। तुम पोटी छोड़ो जी, गुरुजन कहते इस हाथ ले उस हाथ दिए, रोकड़ा मिलने तक पोटी हमारे पास रहेगी। हरगिज नहीं, मैं बच्ची को साथ लेकर ही जाऊंगा। ऐसा दे, उचक पोटी को उचक। होश गायब करना हराम खोरा, इस जूते से सबकी ताजपोशी करता मैं। चच साहब। कौन? चच साहब। अरे जीवन तुम? हाँ बेटा, तुम्हारे साथ ही पैरी से बच्ची कौन है? मेरे गुड्डो की बेटी किरण है, इसे इसे मैं आपकी शरण लाया हूं। शरण? क्यों? बदकिस्मती मुझे चारों तरफ से घेरे है जज साहब, आज फिर मेरे आगे अंधेरा और पीछे पुलिस है। पुलिस? पुलिस ये जान गए कि आज का ये मेयर जेवी कल का जेल से भागा हुआ कैदी जीवन है। इतने वर्षों के बाद कैसे जाना? ये तो भगवान ही जाने, ना जाने ऊपर वाले की मुझ पर ऐसी कृपा है
एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से छीन लेता है। मुद्दत से बिछड़ी हुई मेरी बेटी मुझ तक पहुंचाई, मैं उसे जी भर के कलेजे से लगा भी ना पाया था कि मेरे दरवाजे पर पुलिस भेज दी। और वो तुम्हारी बेटी? वो मुझसे फिर बिछड़ गई जज साहब। मुझे पुलिस से बचाने की कोशिश में दोबारा गुम होगी मेरी गुड्डो, लेकिन इस बार मुझे डर है कि कहीं मौत के अंधेरों में न खो जाए। मालिक, बाहर एसपी साहब आए हैं, कांस्टेबल समित। क्या? नहीं जज साहब, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं। मैं समझता हूँ बेटा, हर किस नहीं कर सकता। मेरी बेटी आखिरी दम तोड़ रही है, कम से कम इस वक्त उसके सर पर बाप का साया तो हो। एक काम करो बेटा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं बच्चों संभाल लेता हूँ। नहीं बेटा नहीं, मेरी बदनसीबी तुझे छोड़कर जा रही है। इस वक्त तुम अपने बाबा के पास रहो, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ। बेटा ये भी तुम्हारा बाबा घर है, डरो मत बेटा, डरो मत। ए उचक ले इस पुट्टी को। आइए साहिब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑफिसर, बैठिए। थैंक यू सर। अपने आदमी भी साथ ले आए, मुझे गिरफ्तार करना है क्या? यह जुर्रत भला मैं कैसे कर सकता हूं सर? तुम्हें क्या बात है, कैसे आना हुआ? एक फरार शुदा मुजरिम की तलाश है। मेरे घर में? आपका ख्याल है मैंने उसे छुपा रखा है? कई बरस पहले आपने एक शख्स का जुर्म छुपाया तो था सर। उसने इसी घर से सोने की एक मूर्ति चोरी की थी। गलत, वह मूर्ति मैंने उसे भेंट की थी। जस्ट अ मिनट। ये मूर्ति वही है ना सर? जी हाँ। तब तो हमारे मेयर मिस्टर जेवी सेट वही शख्स हैं जिसने ये मूर्ति चुराई थी। ऑफिसर, आई एम सॉरी सर, जिसे आपने भेंट की थी। राइट right. क्योंकि ये मूर्ति हमारे मेयर साहब के घर से पाई गई है। तो यानी मिस्टर जेवी सेठ से आपके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका असली नाम जीवन है। तो और शायद ये भी जानते होंगे कि बरसों पहले वो जेल से भागे थे और अब उनके खिलाफ वारंट है। तो जेवी सेठ कहां जा छुपे हैं इसका भी इल्म होगा आपको। अब उन्हें मेरे हवाले कर दीजिए जज साहब, प्लीज। और अगर ना करूं तो ये आप कह रहे हैं जज साहब, आप एक मुजरिम का साथ देंगे? आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। जी हाँ, इसलिए मैं जानता हूं कि कभी कानून कितना कठोर हो सकता है। मजबूर कसूरवार के लिए उसके पास न माफी है न रहम, सिर्फ सजा। जब तक मैं जज की कुर्सी पर बैठा था तो कानून की बंदिशों में झगड़ा हुआ था, अब इंसानियत के राह पर चल रहा हूं। ठीक है तो दीजिए उसका साथ। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं जज साहब के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब आपका वो जेवी ज्यादा दिन तक नहीं बच सकेगा, ये मेरा चैलेंज है। कुछ कानूनी दाव पेश मैं भी जानता हूं ऑफिसर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। बाकी बातें अदालत में होंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है योर ऑनर, जेवी सेठ के खिलाफ जो वारंट इश्यू हुए हैं उन्हें रद्द करने की दरखास्त लेकर रिटायर्ड जज दीनदयाल जी अदालत में हाजिर हुए हैं, लेकिन खुद मिस्टर जेवी सेठ फरार है। आज तक ये बहरूपिया कई रूप बदल चुका है, इसका ताजा तरीन रूप यह है आदरणीय मेयर का, जिसे सारा शहर जानता है, लेकिन दूसरा रूप जो शायद कोई नहीं जानता यह है। ये तस्वीर कैदी जीवन लाल की है योर ऑनर। जेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसने कई बार जेल से फरार होने की कोशिश की और नाकाम रहा, लेकिन जब आखिरी बार फरार होने में कामयाब हो गया तो यह चोला बदलकर जेवी सेठ हो गया। योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि जीवन लाल हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते रहे, इन्होंने जेल रिकॉर्ड्स का सहारा लिया, लेकिन उन्हीं जेल रिकॉर्ड्स में एक और बात लिखी है
जो ये चुपचाप दबा गए। वो क्या है? और वो ये है कि एक्सप्लोजन, एक विस्फोट में जीवनलाल की मौत हुई और उसका दाह संस्कार उसी जेल में किया गया था। अब मिस्टर कुलकर्णी खुद बताएं कि चिता पर जलकर राख होकर जीवनलाल जेल से कैसे भागे और फिर सडनली सेठ जेवी कैसे बन बैठे। राख होने वाला कोई और शख्स होगा। ये दोनों तस्वीरें साबित करती हैं कि ये एक ही शख्स की तस्वीरें हैं, यानी जीवनलाल ही जेवी सेठ है। फोटोग्राफ सिर्फ इतना साबित करते हैं कि दोनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती है, यह नहीं साबित करता कि दोनों शख्स एक हैं। योर ऑनर, हमारे कानून का, इंसाफ का बुनियादी उसूल है कि अंटिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड विदाउट एनी डाउट द अक्यूज्ड शैल बी डीम्ड इनोसेंट। यू आर राइट मिस्टर दीनदयाल। वैसे पुराने रिकॉर्ड में एक रिपोर्ट यह भी है कि जीवनलाल की सजा के 6 महीने माफ कर दिए गए थे। जिस दिन उसकी मौत हुई उसके दूसरे दिन रिहा किया जाने वाला था। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर जेवी सेठ का वारंट कैंसिल किया जाता है। फुलवा, हमारी किरण बिटिया को लड्डू खिलाओ। लड्डू, ऐसी खुशखबरी है कि डब्बा भर कर लाया हूँ सबके लिए। हम भी सुनेंगे। क्या खुशखबरी है नाना बापू? अरे पहले पप्पी दो तो लो, जल्दी से पप्पी लो और बताओ क्या खुशखबरी है। अदालत ने तुम्हारे नाना को बरी कर दिया है। बरी? बरी क्या होता है नाना बापू? बरी बरी तुम्हारे नाना हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्ची? मुझे मम्मी भी चाहिए नाना बाबा। अदालत उन्हें कब बरी करेगी? उसका केस मेरी अदालत में लगता पोटी। उसको मैं बरी करना तब होती। नाना बाबा मुझे बचाओ, ये बहुत बुरा आदमी है। डरो मत बेटी। कौन हो तुम? इतने लोगों के साथ अंदर घुसने का क्या मतलब? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। सुने नहीं क्या? बच्ची को माँ होना और वो रांड मेरे पास। पोटी को भी मेरे हवाले कर दो, मैं मिला देता माँ बेटी को। नहीं नाना बाबा, मुझे इनके हवाले मत करना, ये बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। खराना बच्ची, तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, तू यही रहेगी। नाना, आज इधर से पोटी को लेकर ही जाता मैं। ले जाना है तो पहले अदालत में जाके नालिश करो, लेकिन इस वक्त निकलो बाहर। इस घर में तुम कानून से नहीं खेल सकते। कानून से खेलना तो मेरे दावे हाथ का खेल जी। सीधे हाथा से मैं लोगा की जाना से खेलता। हिमा, उठा ले पोटी को। डरो मत बेटी, हम मुंह झुलसते हैं राक्षसन का। झुलस मेरी चिंगारी, सबका झुलस। पुलिस को बुलाते कते? पुलिस को बुलाते? बुलाओ जी, बुलाओ, बुलाओ जी। अरे ऊपर वाला तुमको टांगा से लंगड़ा किया, नीचे वाला मैं इसको तारा से। अभी आने के पहली ए लंगड़ेशा, देख उधर दो सैंपला पड़े। तुमको जान प्यारी तो छोड़ पोटी को। जो प्यारी है वो सीने से लगी है। जान दे दूं मैं पर इसे नहीं दूंगा। सुने यारा, बुड्ढा क्या डायलॉग मारा है? इसी बात पे हाथों हाथ लो इसको। देखो गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम लोग। चल पोटी फटाक से। अरे छोड़ ना पोटी को बुढ़े। अरे छोड़ ना बुढ़े। नाना बापू,
अरे ओ बुड्ढे, तेरे को इस गुट्टी का रिकॉर्ड मालूम न को? मारो, मारो। छह को शमशान पहुंचाई, तीन को खबरस्तान, गुट्टी छोड़, नहीं तो दस का आंकड़ा पकड़ती इधर ही। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अभी नहीं तो ले जैसा, जैसा, ये क्या हुआ? जीवन, जीवी, वो किरण को ले गए हैं। कौन? वो राजन, उसकी माँ भी उसके पास ही है। तुम जा, बचा लो, जल्दी जाओ। हाँ, जैसा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, सुनो, उस अदालत ने, अदालत तुम्हें बरी कर दिया है। जाओ, 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 डॉक्टर को, डॉक्टर की जरूरत नहीं। जैसा, क्या बात है सेठ जी, मुझे मार कर रहे हो? बोल, कहाँ है माँ बेटी? या नहीं है सेठ जी, मुझसे बात करो सेठ जी, हाथों से नहीं। राजन ने छुपाया है सेठ जी, मैंने नहीं, आप सारे घर की तलाशी ले लो। पहले तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। इसकी जान मत लो, मेरी कोई औलाद नहीं है, बस यही एक पति है। ये ठीक कह रहा है, राजन माँ बेटी को अपने अड्डे पर ले गया है। तू तो बिसात। नहीं सर जी। कहाँ है छुपा? सर जी, नहीं सर जी, मुझे नहीं मालूम। नहीं सर जी, सर जी नहीं, नहीं सर जी, मुझे नहीं मालूम सर जी, सर जी, सर जी नहीं। फौरन बता। नहीं सर जी, वरना भूल के रख दूंगा। सर जी नहीं। तो तू नहीं जानती राजन का अड्डा? नहीं जानती। राजन को इन्हीं हाथों से पाला है ना? हाँ, हाँ। तो नहीं बताएगी? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लगता है तेरा बाप आया। हाँ, शेर की तरह गरजता हुआ आया है। तुम गीदड़ों की भीड़ में? हाँ, मैं बड़ा हरामी गीदड़ जी, शेरा को शिकार बनाना जानता मैं। बस बकरी का गारा दिखा दूं उसको, शेर फंसता फंसता। कौन बकरी? कैसी बकरी? दो टांगा वाली। चल बकरी, चल चल, मिलाता हूँ इसके बाप को, चल। सेठिया, सेठिया, ले, ले संभाल अपनी पोटी को। बचाओ। ए सेठिया, ए पोटी, बन बकरी, हाँ, बन बकरी और फंसा शेर को। किरण, नाना!
सारी साली से डरे। जमीन की धूल नक्को चाटो बताशे हैजा होता कते। क्या होना तुमको? कोऑपरेशन। मैं तुमको दी, तुम मेरे को देना कते। नहीं नहीं, मेरे को मारो नको, मेरे को मारो नको। कैसा नहीं मारना जी, कैसा नहीं मारना? तुम चुंबक, मैं लोहा, तुम खिंचते, मैं खिंचती। खून की होली तो खेलने च मांगता ना। Amen.